अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि बहुत निराशा हुई है कि चीन तेल को उत्तर कोरिया जाने की मंजूरी दे रहा है। चीन रंगे हाथ पकड़ा गया है। अगर ऐसा लगातार होता रहा तो उत्तर कोरिया समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। उत्तर कोरिया के एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार कोरिया और चीन के जहाज समुद्र में लेन देन करते हैं। इसके बाद चीन ने कहा कि उसने उत्तर कोरिया को तेल बेचकर संयुक्त राष्ट्र की किसी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं किया है। अमेरिका तक मारक सक्षम वाली परमाणु मिसाइलों को विकसित करने के लिए उत्तर कोरिया की कोशिशों के जवाब में ट्रंप प्रशासन ने उत्तर कोरिया पर वैश्विक प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने के अभियान का नेतृत्व किया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका तक मारक सक्षम वाली परमाणु मिसाइलों को विकसित करने के लिए उत्तर कोरिया की कोशिश के जवाब में उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध को आगे बढ़ाने के अभियान का नेतृत्व किया है। अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया की इस कोशिश को पूरा करने में पड़ोसी चीन का पूर्ण सहयोग महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी चेतावनी देते हुए अमेरिका ने कहा कि उत्तर कोरिया से निपटने में सैन्य विकल्पों सहित सभी विकल्प खुले हुए हैं। HCN न्यूज की रिपोर्ट।